के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक, शासन की योजनाओं को प्रमुखता से पालन करने के दिए निर्देश। फोरलेन की जमीन के मुआवजे के लिए 20,000 रिश्वत लेते लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम ने किया गिरफ्तार। जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन संवेदीकरण के मंडलीय स्तरीय कार्यशाला का अपर निदेशक स्वास्थ्य ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ, चिकित्सकों ने रखे अपने अपने विचार। महानगर को साफ सफाई की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नोडल अधिकारी और सफाई सुपरवाइजरों के साथ संपन्न हुई बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। क्षेत्रीय प्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का आय बढ़ोतरी संगोष्ठी, परिवहन की आय बढ़ाने के लिए पदाधिकारियों ने दिए सुझाव। हिंदू युवा वाहिनी की मासिक बैठक हुई संपन्न, बैठक में वाहिनी की मजबूती और आगामी कार्य योजना पर बनाई गई रणनीति। महाविद्यालय प्रवेश के नाम पर हो रही वसूली पर रोक लगाए जाने सहित कुल 3 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपा ज्ञापन। महानगर में बारिश से हो रहे जलभराव से निपटने के लिए नगर निगम मुस्तैद, नगर आयुक्त ने कहा कहीं नहीं है स्थायी जलभराव की स्थिति। जिला जेल स्थित काकुरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदान स्थल पर आमजन के लिए लगाए गए प्रतिबंध को हटाए जाने की मांग को लेकर हिंदू चेतना मंच के सदस्यों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। और नागरिक सुरक्षा कोर ने लोगों को बांटा झोला, कहा पॉलिथीन से बनाए दूरी, पर्यावरण को रखे स्वच्छ।